कुछ ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए मेरे सामने यहाँ पर प्लाज्मा पर, ये देखिए किस तरीके से लोग बाहर हैं सड़कों पर और पत्थरबाजी की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, लोग हैं, और सड़कों पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थर पड़े हुए, छतों के ऊपर से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए आगजनी की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, घरों में आग लगाया जा रहा है और ये पूरी गली जो कि सुनसान, हालांकि पुलिस ने यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कायम की, लेकिन तस्वीरें कुछ इस माध्यम से आप इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर से जो भी बहुत भयावह और डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों पर अंकुश लगाने के लिए, इन्हों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी, मगर वजह क्या है कि इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगता हुआ दिख नहीं रहा। अभी ये तमाम तस्वीरें, इन पर अंकुश नहीं लग रहा, लोग वहाँ से हट नहीं रहे, बल्कि ये देखिए पुलिस के जिस तरीके से आंसू गैस छोड़ रही है और जवाब में पत्थर उधर से चलाए जा रहे हैं, जो कि भीड़ वहाँ पर खड़ी हुई है। कोई खड़ा मिलेगा अगर किसी बंद शॉप के सामने कोई मिलेगा उसके ऊपर फोर्स यूज की जाएगी, ध्यान रखिए। धारा 144 लगी है, पांच से अधिक व्यक्ति अगर कहीं भी मुझे टहलते हुए मिलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, या तो अपना कारोबार करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, जहां पर आगजनी से लेकर के पत्थरबाजी और कुछ इस किस्म से बताया ऐसा जा रहा है। खबरें ऐसी भी है कि भीड़ अपने साथ में बोतलों में डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल भी लेकर के आई हुई है, जिसकी वजह से आगजनी की जो तस्वीरें हैं वो भीड़ इस अंदाज में कर रही है। मगर पुलिस लगातार, पुलिस के आला अधिकारियों को हमने आपको सुनवाया, दिखाया कि किस तरीके से लाउड स्पीकर पर अपील कर रहे हैं कि शांत हो जाइए, स्थिति को सामान्य होने दीजिए, मगर ऐसी स्थिति में अब अगर पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेगी तो कब करेगी, और फिर जब पुलिस बल का प्रयोग करती है तो फिर लोगों को ये लगता है कि साहब पुलिस का बर्बर चेहरा ये है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश हो या फिर दूसरे देश के अलग अलग हिस्से, R9 TV आप सभी से यही कहेगा कि आपका हक है, आर्टिकल 19 आपको अगर इजाजत देता है इस बात के कि आप लोग अपने सरकार के पॉलिसीज और नीतियों के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कीजिए, मगर ये तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है वो कहीं से भी जायज नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मगर ऐसी स्थिति में ये देखिए पुलिस का फ्लैग मार्च, जो कि अब कानपुर शहर के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गलियों में, अलग अलग सड़कों पर इस अंदाज पे दिख रहा है, मगर क्या हो जब ऐसी तस्वीरें सामने आए, उस वक्त क्या हो जब पत्थरबाजी की ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आए।